हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मॉम इन किचन में स्वागत है आपका। आई होप यू आर डूइंग वेल। के लिए मोरिंग कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ही ये रेसिपी बनती है, जो देखने में टेस्टी है, साथ में खाने में भी। आप अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए। उम्मीद है आपके घर के सभी लोगों को ये पसंद आएगा। बनाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं। पहले हमें कस्टर्ड बना के रख लेना है। कस्टर्ड बनाने के लिए रख दिया था मैंने लगभग 400 ml दूध लिया है। दूध को गाढ़ा करने के बाद मैंने 400 लिया है। लगभग मेरे 600 ml दूध थे, जिसे मैंने थोड़े देर बॉयल कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें 2 tablespoons भर करके कस्टर्ड पाउडर, और साथ में ही मैंने 2 tablespoons शुगर को उसमें घोल दिया। और घोल देने के बाद मैं इसे कस्टर्ड बना लूँगी। हमें कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है और ना बहुत पतला रखना, मीडियम रखना है, जिसमें कि कस्टर्ड थोड़े ज़्यादा पतले भी ना हो, गाढ़े भी ना। कस्टर्ड मेरे बन गए थे। मैंने कस्टर्ड को उतार के थोड़ा ठंडा कर लिया और साइड में मैंने दूध को एक पैन में बॉयल करने के लिए रखा है। पुडिंग बनाने के लिए कस्टर्ड को मैं एक छन्नी से छान लूँगी, जिसमें जो मलाई वगैरह भी हो वो निकल जाए और हमारी बहुत ही स्मूथ कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी मिले। अब देखिए, मैंने यहाँ 2 अंडों की सफ़ेदी ली है। येलो वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं लेना है, केवल 2 अंडों की सफ़ेदी लीजिए। मैंने थोड़े से मैं दिखाए हैं आपको, तो 2 की ली है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैं इसे हैंड ब्लेंडर से फेंट रही हूँ। मैं इसे इतनी देर तक फेंटूँगी जब तक इसका पीक एकदम उठने न लगे और हमारे अंडों की सफ़ेदी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। और अगर मैं बॉल को उल्टा भी करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। इतनी देर तक हमें फेंटना है। मैं इसे हैंड ब्लेंडर से फेंट रही हूँ तो 2 से 3 मिनट में हो गए थे, लेकिन अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं हो तो आप एक बीटर से या फोर्क से फेंटिए। थोड़े टाइम ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगी। लेकिन येलो वाला नहीं डालिएगा, नहीं तो इस तरह नहीं होगी। एक वाइट को ले लिया है और इधर दूध मेरे बॉयल हो रहे हैं। और अब मैं इस पर छोटा छोटा सा ले करके किसी भी आप पलटे से उठाइए और उसमें दूध में ड्रॉप करते जाइए। एक वाइट को बहुत ही आसानी से ड्रॉप होते हैं और अपने आप बॉयल होकर इन्हें पकने दीजिए। ये थोड़े दुगने हो जाते हैं, इसे थोड़ा छोटा ही डालिएगा। ये 1 के पफ जितना ही आप डालिएगा उससे दुगना हो जाते हैं पकने के बाद, और बिल्कुल भी नहीं पचकते हैं। इस तरह हमें इन्हें बॉयल करके अपने कस्टर्ड को जो मैंने ठंडा किया था उसके ऊपर डालते जाऊंगी। इसे पोस्ट करना कहते हैं, मैंने इसे मिल्क में पोस्ट किया है। मिल्क में हमें कोई भी शुगर वगैरह नहीं डालना है, केवल मिल्क रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाएगी। कस्टर्ड को मैंने ठीक ठाक मीठा किया था और उसी के मिठास से ही बस काम चल जाएगा। इसी तरह से सारे एक वाइट को मैं मिल्क में पोस्ट कर लूँगी। फूल के अपने आप दुगने हो जाते हैं और 2 से 1.5 से 2 मिनट के बाद जब देखिए कि ये फूल गए हैं और पोस्ट हो गए, तो उन्हें निकाल के कस्टर्ड के ऊपर डालते जाइए। इसी तरह करके मैं सारे एक वाइट को पोस्ट कर लूँगी। देखिए कितने सुंदर और कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल स्नो जैसे लग रहे हैं। और अब मैंने सारे को डाल के इसी तरह से पोस्ट कर लिया था। वाइट पोस्ट हो गए तो मैं अब इसे सर्व करूँगी। इसके लिए मैंने एक सर्विंग बॉल लिया है। आप किसी भी तरह के सर्विंग बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं उसमें अपने सारे पोस्ट 1 के जो पफ मैंने बनाए हैं उसे डाल दूंगी और ऊपर से मैं कस्टर्ड डालते जाऊंगी। और इसी तरह से मैं एक बॉल में भी सिंगल सर्विंग के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो एक बड़े से बॉल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं या सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं। मैंने सिंगल सर्विंग भी करके दिखाया है, साथ ही पूरा एक बॉल में भी करके दिखाया है। और इस तरह से मैंने सर्व कर दिया है। अब आप इसे चाहें तो थोड़ी सी चेरी से गार्निश करें या कोई भी छोटे जो फ्रूट हो उससे भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे अनार के सीड से गार्निश किया है, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं वाइट के ऊपर। आप चाहें तो चेरी से भी गार्निश कर सकते हैं या टूटी फ्रूटी से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर कुछ नहीं हो तो आप किशमिश से भी गार्निश कर सकते हैं। ये देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड। साथ ही अपनी कमेंट करके भी बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सिंगल सर्विंग को पहले आपको दिखाया कितने अच्छे और कितने यमी लग रहे हैं। साथ ही मैंने एक बॉल में जो रखा था उसे और सिंगल सर्विंग को साथ में ही दिखाया है। प्लीज़ इस डेजर्ट को आप लोग ज़रूर बनाइएगा। खाने में सुंदर और स्वादिष्ट और बहुत ही सस्ती है। इसमें केवल मैंने 2 अंडे और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और थोड़े से मिल्क का प्रयोग किया है। बच्चों के लिए भी ये हेल्दी है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।